एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आप सभी को प्यारी प्यारी सुबह की पहली वेरी गुड मॉर्निंग। और आज सैटरडे, सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि सैटरडे है आज की शाम। कल मतलब एक मिनट में पराठा हो रहा है। जो आज की शाम है ना, मतलब कल आराम से उठ सकते हैं, कल कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। मैं आज आके ना बहुत रेस्ट करने वाली हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9। सब्जी मेरी रेडी हो गई है, पराठे सिक रहे हैं। कान्हा भैया देखे, कल रात से कान्हा का मन था कि मम्मा मुझे गरम गरम पराठे खाना, पर कल रात में मैंने खाना पीना हो चुका था, नहीं बनाए। अभी मैंने टिफिन के लिए बनाए तो बोलते हैं कि दलिया मैं देती हूँ। मैं रोज सुबह बोले दलिया नहीं खाऊंगा मम्मा, मुझे ना गरम गरम पराठे खाने। तो मैंने टिफिन के लिए जो बनाए थे उनको दे दिए हैं, ये देखिए। और बस अब मैं सेक रही हूँ, इनके पापा के लिए भी टिफिन लगा दूँ। और आज मैं थोड़ा आराम से जाऊँगी 10 बजे तक। और आज फाइनली मैं अपनी टीचिंग ख़त्म करके आ जाऊँगी। बस मुझे 2 क्लास लेने मिल जाए तो आज मेरी टीचिंग ख़त्म हो जाएगी बस। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। बच रहे हैं 3, आगे मैं हुई थोड़ा सा रेडी। मैंने रील्स बनाई क्योंकि एक था गाना, उस पर मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था रील बनाने का, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और आज तो सैटरडे है। मैंने ये देखे कैमरे से दिखाती हूँ, थोड़ा सा टचअप दिया, लिपस्टिक वगैरह लगाई और फिर मैंने बनाई वेरी हैप्पी। तो बस अब मैं लेकिन चेंज करने जा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, मिलती हूँ मैं फिर आपसे। क्यों रो रहे हो कान्हा भैया? सुनो, क्यों रो रही मेरी? सुनो कान्हा भैया रो रहे हैं। कान्हा भैया किसी ने दांत दिया है क्योंकि, अरे बाप, कान्हा भैया खिसक खिसक, अरे नहीं रो नहीं रो, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा पुत्तो, देखो। हाँ बोलो क्या हुआ? मैं उधर नहीं ऐसा नहीं खेलूंगा। ठीक है, यहीं पे खेलना, रो नहीं। लेकिन स्ट्रांग बॉय रोते थोड़ी ना है, ना बॉय ना गर्ल रोते नहीं है, स्ट्रांग बॉय और स्ट्रांग गर्ल। हुए हैं रेडी, थोड़ा सा आज संडे है ना तो कहीं मतलब घूम आए, एक साथ नहीं गए इतने दिन से सारे। बस मैं शॉक्स पहन रही हूँ और मैं सो गई थी वहाँ से आने के बाद। और बस फिर मैं उठी हूँ 6 बजे। आज मैंने जी भर के सोया, आत्मा बिल्कुल जो तृप्त आत्मा होती है ना, आत्मा मेरी तृप्त हो गई आज बिल्कुल। मस्त सो के उठी, चाय पी, फिर मैंने कपड़े वपड़े में सुबह फुला के गई थी ना, वो कपड़े धोए और अफर सद के जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर। चलिए आप लोगों को भी ले चलती हूँ। 7:30 बजे घर से निकले थे, इतना शौक से गए थे ना, काफ़ी टाइम से हम तीनों एक साथ नहीं गए बाहर, कि जाएंगे मस्त वहाँ की फुल्की खा कर आएंगे, बहुत अच्छी लगती है, मतलब मीठी फुल्की, दही पूड़ी जो भी बोलते हैं वो। बट किस्मत बहुत ख़राब है, वही चीज़ अभी आगे देखना। हम लोग बुआ सासू में आके यहाँ गए थे, वो भी मुझसे यही कह रही थी कि तेरी किस्मत बहुत ख़राब है कि तेरे को वहाँ की फुल्की खाने नहीं मिलती, वो बहुत अच्छी फुल्की देता है। क्योंकि मुझे एक बार बुआ भी लेके गई थी अपने साथ वहीं पे फुलके खिलाने के लिए, बट ख़ास करवा चौथ के एक दिन पहले, क्योंकि मुझे सरगी वगैरह जो कुछ भी है वही देती हैं। सो तब भी उसकी दुकान बंद थी और आज भी उसकी दुकान बंद है, तो वही बुआ बहुत हंस रही थी कि तेरी किस्मत बहुत ख़राब है। और बस गए हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग बुआ के यहाँ चले गए थे, उनका फ़ोन आ गया, तो आगे आपको अभी देखने को मिलेगा व्लॉग में कि वहाँ बंद था। बहुत बुरा लगा क्योंकि जहाँ खाया ना थोड़ा सा आत्मा संतोष नहीं हुई बिल्कुल भी मेरी। जहाँ हम लोग फुल्की खाते हैं वहाँ पे मतलब पानी पूरी जो भी बोलते हैं वहाँ पे बंद है, ये नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से तो ऐसे टाइम निकाल के आज हम लोग निकले और अब देखिए अब क्या घर जा रहे हैं लौट के। खाना तो बेचारे खा ही नहीं सकते, हम आए थे जैसे तैसे, मैं मुझे भी नहीं मिल रही।
सो आ चुके हैं घर, अभी बज रहे हैं 9:30। कान्हा आ गए, कान्हा से बोल रहे कान्हा कपड़े चेंज कर लो, कपड़े चेंज कर लो, कान्हा नहीं सुन रहे। और वहां से रास्ते में क्या हुआ, बुआ सासू माँ उनका आ गया फोन, तो उनकी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं है, तो लग रहा था ठीक हो गया, लेकिन जब बात किया फिर फोन आया, जब बात की तो पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर हम लोग वहाँ से चले गए, तो वहाँ से हम लोग चले गए बुआ सासू माँ के यहाँ, और बस वहाँ से मैं आके अभी जस्ट अब खाना वाना, तो सब्जी रखी है, रोटी सेकूँगी, मतलब वो वहाँ पे बहुत पीछे पड़े थे, खाना खा लो खाना खा लो, बट मैंने कहा नहीं उनकी तक, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो मन नहीं लगता। ऐसे हम लोग जब भी जाते हैं ना तो वो अपने हाथों से खाना बना के खिलाती हैं, ये बना देते हैं वो बना देते हैं, वो बहुत मतलब उनके साथ जो बॉन्डिंग है ना, मुझे नहीं लगता कि वो सास है। और बुआ शब्द को मतलब जो बोलते हैं ना कि बुआ, मतलब कई लोगों की अच्छी होती है और कहते हैं बुआ, अरे अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं होती, बट वो जो बुआ है ना वो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है मेरी, और बिल्कुल फ्रेंड जैसे हैं मेरी। मैं उनसे मतलब वो जब हम लोग कभी बात करते हैं ना, तो कभी इसकी उसकी कभी कुछ बुराई या गलत बातें नहीं होती, हमेशा हंसी मजाक। और उनसे बात करते करते ना का मतलब 1 घंटा हो जाता, आधा घंटा हो जाता, पता ही नहीं चलता, हम लोग इतना हंसते ही रहते हैं किसी भी बात पे, बहुत अच्छा लगता है। लगता नहीं है कि मैं उनकी बहू हूँ या वो मेरी सास है, बहुत अच्छे हैं भैया। बाज उनको जब तकलीफ में देखा ना, एक्चुअली में उनको भी UTI प्रॉब्लम है, और अभी से नहीं, उनको तो काफ़ी सालों से है, आई थिंक 2006 या 2007 से है, वो बताती हैं। आज वही रो रही थी, कह रही थी कि हम इस दर्द से गुजर चुके हैं, हम नहीं चाहती कि हमको दोबारा ये प्रॉब्लम फिर से हो। उनका ट्रीटमेंट दिल्ली में चलता है, उन्होंने बताया था बल्कि कान्हा को वहाँ पे दिखाने के लिए वो मंडे को अपना चेकअप करवाएंगे। तो बस, और जो लोग मतलब जिन जिन लोग खास होते ना जो लोग, तो लगता है कि वो ऐसे दुख तकलीफ में देख के अच्छा नहीं लगता, लगता है हमेशा खुश रहें। खुश तो सभी ना हैं, बट जिनसे बॉन्डिंग अच्छी होती है उनको दुख तकलीफ में देख के थोड़ा सा बुरा लगता है। और बस मैं घर आ गई हूँ, और कान्हा के पापा का तो कुछ काम था तो वो वहाँ चले गए हैं, और कान्हा गुस्सा होकर सो गए हैं क्योंकि बार बार फ़ोन पे हाथ मार रहे थे तो मैंने डांट दिया। कपड़े चेंज भी नहीं कर रहा है। बस ये था आज का अपडेट, और ये देख रहे हैं ना, ये मैं इसलिए लगाई हूँ क्योंकि जब फिर मैं मुझे सुबह जब साड़ी के लिए ना पिन मुझे यहाँ ढूँढना पड़ती, वहाँ ढूँढना पड़ती है, एक जगह नहीं मिलती, इसलिए भाई मैं इसमें लगा ली हूँ। बट अब तो खैर टीचिंग है ही नहीं, निकाल के रख दूंगी मैं। और बस यही था आज का अपडेट, ये था आज का दिन। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और क्या बोलते हैं और कहना, गुड न कहा तो गुस्सा है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय लाइफ।